हाय फ्रेंड्स, तो आज हम एल्बो डिसलोकेशन को डिस्कशन करने वाले हैं कि एल्बो का जॉइंट यानी कोहनी का जॉइंट अगर उतर जाता है तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, यहाँ क्या कारण है, क्यों वो जोड़ उतर जाता है और कैसे उस जोड़ को बिठाया जाता है, क्या उसमें ऑपरेशन किया जाता है या बिना ऑपरेशन के भी वो ठीक हो जाता है, वो सारी की सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो एल्बो जॉइंट का डिसलोकेशन होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है कि अगर ये वाला जो पोर्शन है, ये जो सॉकेट है, अगर इसमें सॉकेट से निकल के पीछे की तरफ चला जाता है तो इसको हम पोस्टीरियर डिसलोकेशन बोलते हैं। उसकी भी वैरायटीज़ होती हैं, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। तो जॉइंट जो है पोस्टीरियर जा सकता है, निकल के सॉकेट से आगे की तरफ आ सकता है, जिसे हम एंटीरियर बोलते हैं। लेटरल यानी बाहर की तरफ, मीडियल यानी अंदर की तरफ आ सकता है, और डाइवर्जेंट वैरायटी भी होती है। नॉर्मली होता क्या है कि जब पेशेंट गिर रहे होते हैं तो गिरने में जो फोर्स लगती है उससे सॉकेट से एल्बो जॉइंट बाहर निकलता है। एल्बो जॉइंट जिस सॉकेट में है उसको बाहर से कवर करने के लिए कैप्स्यूल होता है जो पूरे जोड़ को कस के पकड़े रखता है, और बहुत सारे लिगामेंट होते हैं जो उसको सॉकेट में बनाकर रखते हैं। तो अगर ये लिगामेंट और कैप्स्यूल का जो सॉफ्ट टिश्यू कवरेज है वो इतनी ज़्यादा फोर्स लगी कि वो हट जाए और फट जाए तो ये एल्बो जॉइंट अपने सॉकेट से बाहर निकल आता है। इसमें जो सबसे कॉमन लिगामेंट होता है जो इंजर्ड होता है उसे हम लैटरल अल्नर कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं। कई बार ये इंजरी इतनी वायलेंट होती है कि ना केवल कैप्सूल और लिगामेंट उसमें रप्चर होता है, उसके साथ साथ जो है आप देखेंगे कि रेडियल हेड जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो भी फ्रैक्चर्ड हो जाता है। कोरोनॉइड जो कि नीचे अल्ना के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बनी रहती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि न केवल कैप्सूल या लिगामेंट जो कि सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग है वो जाती है, बल्कि बोन का भी जो सपोर्ट होता है जॉइंट को वो भी टूट जाता है। तो वो बहुत ही ख़राब किस्म का, बहुत ही इंस्टेबल टाइप की वैरायटी का डिसलोकेशन होता है। इंस्टेबिलिटी की अलग अलग वैरायटी है जिसको हम अलग अलग ग्रेडिंग, मतलब शुरुआती कम दौर का इंस्टेबिलिटी है जिसमें कम इंजरी है तो उसको ग्रेड वन में रखते हैं, जितनी इंजरी ख़राब होती चली जाती है उसकी हमारी ग्रेडिंग बढ़ती चली जाती है, जो थ्री या थ्री बी तक जाती है। दो तरीके की स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एल्बो जॉइंट को स्टेबल करके रखती हैं। एक, जब एल्बो जॉइंट स्टेबल पोजीशन में है तो उनको हम स्टैटिक स्टेबलाइजर्स बोलते हैं। दूसरे जो होते हैं, जब आप एल्बो जॉइंट को यूज़ कर रहे हैं उनके मोशन के साथ साथ जो जॉइंट को स्टेबिलिटी दे रहे हैं उन्हें हम डायनामिक स्टेबलाइजर्स बोलते हैं। फिर उसके बाद तीन अलग अलग वैरायटी की इंस्टेबिलिटीज़ होती हैं जिनमें हम जाएंगे नहीं। नॉर्मली अगर एल्बो जॉइंट डिसलोकेट हो गया है तो उस जोड़ के अंदर पेन होगा, स्वेलिंग होगी, आसपास से जो नर्व गुजर रही हैं उनके अंदर इंजरी हो सकती है। उसके अलावा नॉर्मल जो एल्बो जॉइंट होता है वहाँ ये ओलिक्रोनॉन का पॉइंट और दोनों कंडाइल्स के बीच में एक रिलेशन होती है। देखा जाए तो वे ट्राइंगल जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम ट्राइंगुलर शेप बोलते हैं। तो वो जो ट्राइंगल है डिसलोकेशन में वो डिसरप्ट हो जाता है। तो आप पता लगाने के लिए जब देखेंगे तो वो ट्राइंगल दूसरे हाथ में जो दिख रहा है वो जिस तरफ डिसलोकेशन होगा वहाँ नहीं दिखेगा। यहाँ हमने ये पता लगा लिया, उसके बाद एक्सरे करा के देखेंगे कि एल्बो का APN लैटरल व्यू करा के देख लेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि एल्बो जॉइंट अपनी जगह से हिल चुका है। तो जो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर माइल्ड ग्रेड की इंजरी होती है उसमें हम उसको रिड्यूस करके एल्बो जॉइंट को बिठा लेते हैं। करते कैसे हैं कि जॉइंट जो आपका सॉकेट से बाहर निकल के पीछे की तरफ चला गया है तो फ्लैक्स पोजिशन में यहाँ काउंटर ट्रैक्शन देंगे, दूसरी तरफ से ट्रैक्शन देंगे और हल्का सा इसको पुश करते हुए जॉइंट को बिठा लेंगे। बहुत ही इजी होता है इसको रिड्यूस करना, पर अगर ये बहुत ही हाई ग्रेड का डिसलोकेशन है तब ये अनस्टेबल रिडक्शन होता है, वही सर्जरी के इंडिकेशन होते हैं। मतलब कि आपने जोड़ को बिठा लिया, फिर आपने एक्सरे करा के देखा तो जो सॉकेट होना चाहिए था बिल्कुल सेंटर में, वो सेंटर में ना होके वो आगे या पीछे नॉर्मल की तरह नहीं है, तो वो नॉन कंसेंट्रिक रिडक्शन बोलते हैं, वहाँ सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। या आपने बिठा लिया वापस जोड़ को, प्लास्टर लगाया, फिर दोबारा एक्सरे के लिए भेजा, देखा तो अभी भी वो जोड़ जो है अपनी जगह टिक नहीं पा रहा है, भाग रहा है, तो वो भी एक सर्जरी का इंडिकेशन होता है। यानी कि अनस्टेबल जॉइंट है कि वहाँ इतना सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई है, इतनी बोन की इंजरी हो गई है कि इसको बिना सर्जरी के स्टेबल नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप देखेंगे इस डायग्राम में जो कोरोनॉइड प्रोसेस है, अगर ये हिस्सा टूट गया है जो कि उसको स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है, तो अगर इसको हम जोड़ेंगे नहीं, फिक्स नहीं करेंगे सर्जरी के द्वारा, तो ये कितना ही हम उसको खींच के बिठा लें बार बार भागेगा। इसी प्रकार से आप डायग्राम में देखिए कि रेडियल हेड का अगर फ्रैक्चर हो गया है
तो जब तक आप उस रेडियल हेड को ठीक नहीं करेंगे वो स्टेबिलिटी आ नहीं पाएगी। तो उसको या तो आप फिक्स करो स्क्रूज से, अगर वो फिक्स होने लायक नहीं है रेडियल जॉइंट तो आप उस जॉइंट का रिप्लेसमेंट करिए। रेडियल हेड के आर्टिफिशियल पार्ट्स आते हैं उसको रिप्लेस करेंगे। आपने कोरोनॉइड भी फिक्स कर दिया, रेडियल हेड भी फिक्स कर दिया, उसके बाद भी आप देख रहे हैं सर्जिकल टेबल पे वो जॉइंट बार बार भागे जा रहा है आपकी जगह से, तब हम लेटरल अल्वर कोलेटरल लिगामेंट और एंटीरियर कैप्सूल को थोड़ा रिस्ट्रेन करके बांध के उसको स्टेबिलिटी लेके आते हैं। अगर उसके बाद भी इंस्टेबिलिटी आ रही है तो तब ऐसी सिचुएशन के अंदर हम एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा के रिड्यूस पोजिशन में उसको फिक्स कर देते हैं। कई बार के वायर भी पास करते हैं, वो चीज़ें डिबेटेबल हैं, बट हम उसको फिक्स कर देते हैं अनस्टेबल फ्रैक्चर को विद एक्सटर्नल फिक्सेटर। अब अगर ये सारी चीज़ें हमने ट्रीटमेंट के बारे में समझी, जब एल्बो डिसलोकेशन होता है कई बार आपको लगेगा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, सब कुछ ईजिली ठीक हुआ, आपने खींचा उसको और वो वापस आ गया और बाद में ठीक से काम किया। पर कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, जो सीवियर ग्रेड की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कई बार क्या होता है कि पूरी कॉर्निया आप सीधी नहीं कर पाते, इतनी मुड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं मुड़ पाती है, स्टिफ हो जाती है, या जो नर्व्स जाती हैं यहाँ पे तीन, मीडियल नर्व, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व, उनके अंदर इंजरी हो सकती है। जो मेन आर्टरी जाती है यहाँ से, जैसे हम ब्रेकियल आर्टरी बोलते हैं, उसमें इंजरी हो सकती है। उसके अलावा इंस्टेबिलिटी, जैसे हमने बताया था कि रेडियल हेड फ्रैक्चर और कोरोनॉइड फ्रैक्चर के साथ जब बहुत सारा कैप्सूल और लिगामेंट जाता है, कई बार लोग बहुत मालिश कराते हैं उससे वहाँ, या ब्लड बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है डिसलोकेशन के बाद, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा बोन बन जाती है जिससे मोशन तो जाता ही जाता है और पेन भी रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एल्बो डिसलोकेशन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाइफ केयर।